हेलो व्हाट्सअप गाइस, टेक सुमो हरियाणा चैनल में आपका स्वागत है। आई होप कि आप खुश होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज ये देख सकते हो मस्कीटो किलर बैट है, इसको रिपेयर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आप देखते रहना कि इसमें क्या क्या जो हमारा सर्किट होता है और क्या क्या इसमें ख़राब हो सकता है, तो आप इसको आसानी से घर में रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो, ये रॉकेट आपको मार्केट में मिल जाता है और ये एसी बोर्ड से डायरेक्ट चार्ज होता है। ये वाली पिन को हम जब प्लग इन करते हैं तो उसके बाद ये चार्ज होना शुरू हो जाता है। इसके अंदर देखिए दो इंडिकेटर दिए हुए हैं, ये देखिए, जिसमें से एक ये दोस्तों करंट जब इसमें स्टोर करते हैं उसके लिए है और एक चार्जिंग के लिए। तो दोस्तों इसको मैं जो स्क्रू है उनको खोल लूँगा एक बार, और दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखना, एक एक चीज़ कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। तो इस टाइप से दोस्तों हम इसको पूरा खोल लेंगे, और खोलने के बाद देख सकते हो इसके अंदर एक 3.7 वोल्ट की यहाँ पर बैटरी लगी हुई है और एक ये चार्जिंग और करंट जो बनाता है उसके लिए एक सर्किट दिया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा जो काम है, इस बैटरी की हमें सप्लाई चेक कर लेनी है कि इसके अंदर करंट है या हमारी बैटरी ख़राब है। तो दोस्तों इसको चेक करने के लिए या तो हम कोई एलईडी ले लेंगे अगर मल्टीमीटर नहीं है, नहीं फिर हम मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो गया था इसलिए मैंने थोड़ा इसको बीच से स्किप कर दिया है। तो दोस्तों ये हमारा मल्टीमीटर है और इस मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी पर एक बार चेक कर लेंगे, और उसके बाद हम इस पर ये जो हमारा 20 वोल्ट है डीसी का, इस पे ला के दोस्तों हम इसको चेक कर लेंगे। तो दोस्तों थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था मल्टीमीटर यहाँ रखने में, क्योंकि मेरे को दोनों चीज़ एक साथ यहाँ शो करनी थी। तो थोड़ा सा आप मेंटेन रखिए इसमें, बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको प्रॉपरली दिखाई दे जाएगी इसके अंदर। तो थोड़ा लाइट का भी दोस्तों रिफ्लेक्शन आ रहा था इसलिए थोड़ा मीटर को दिखाना भी ज़रूरी था, तो थोड़ा एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो फ्रेंड्स मैं इसके ऊपर इसको रख लेता हूँ, और सबसे पहले जो हमारी बैटरी से आई हुई वायर है उसमें हम करंट चेक कर लेंगे कि हमारी बैटरी सही है या ख़राब है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कोई करंट हमको शो नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, एक नेगेटिव पे है और एक इसका जो पॉजिटिव जो हमारा इस स्विच में आया हुआ है उसमें देख रहे हैं, तो इसमें कोई भी करंट हमारा शो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों देखिए इस टाइप से आप इसको प्रेस करके देख लीजिएगा। तो अभी आपस में देख रहा हूँ तो मैं इसकी एक बार कंटिन्यूटी भी चेक कर लेता हूँ। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए दोस्तों इसको बजर बीप की रेंज पे रखना पड़ेगा मल्टीमीटर को, जिसमें आप कोई भी डिवाइस चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था इसको लगाने में, लेकिन मैं आज करके ही छोड़ूंगा, वैसे नहीं छोड़ने वाला इसको। तो देख सकते हो मैंने इसको कंटिन्यूटी की जो रेंज है उस पे बीप की रेंज पे कर दिया है, बजर मोड बोलते हैं जिसको। तो अभी मैं इसका जो दूसरा स्विच है उसको भी चेक कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमको कुछ रीडिंग शो हो रही है, तो इसका मतलब हमारा ये वाला जो स्विच है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। ये देखिए जब इसको हम प्रेस करते हैं तो कुछ रीडिंग शो हो रही है हमें 600 से 700 के अप्रोक्स, तो ये हमारा स्विच बिल्कुल ठीक है। अब ये जो बैंड स्विच है इसको भी हमें चेक करना है, तो इसको हम देखिए यहाँ पे भी कुछ रीडिंग हमारी शो हो रही है लेकिन आपको थोड़ा कम दिख रही है। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा जो है ठीक है अच्छे से। अभी जो आगे का जो प्रोसेस है वो हम कंटिन्यू जारी रखेंगे। तो दोस्तों मीटर को एक बार थोड़ा मैं साइड में कर देता हूँ। तो दोस्तों इसमें देखिए दो हमारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, कैपेसिटर लगे होते हैं सॉरी, और इसके बाद में जो नीचे का हम देखेंगे तो यहाँ पर जो ये हमारे 3 पॉइंट है ये इसके 883 ट्रांजिस्टर के लगे हैं। तो दोस्तों इस ट्रांजिस्टर में मोस्टली ट्रांजिस्टर होता है यही ख़राब हो जाता है, या फिर हमारा जो ये कैपेसिटर लगे हैं रेड कलर वाले ये भी हमारे ख़राब हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम चांसेस होता है। ज़्यादातर ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है 3 लैग वाला, देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये जो इसके अंदर ये जो ट्रांजिस्टर लगा है D883 ये ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों इसको हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, गर्म करके, तो आयरन की सहायता से इसको हीट दे के दोस्तों हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा जो ये ट्रांजिस्टर है ये ख़राब है। और दोस्तों ख़राब चेक करने के लिए या तो आपको इसमें ये कंटिन्यूटी बजर बजेगा
कुछ रीडिंग वगैरह शो नहीं होगी तो भी ये खराब रहेगा, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। और जो हमारा नया ट्रांजिस्टर है वो इसकी जगह हम लगा देंगे, और उसके बाद हम पूरा चेक करेंगे इसको कि हमारा जो ये मस्कीटो किलर बैट है ये हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये पुरानी जो सोल्डिंग होती है हमारी, ये थोड़ी निकलने में बहुत ही वो करती है कंजूसी। तो दोस्तों देख सकते हो ये हमारा D883 ट्रांजिस्टर है, और आप इसकी जगह D882 भी लगा सकते हो। तो देख सकते हो कि हमने इसका जो ये ट्रांजिस्टर ये लगा लिया है, और दोस्तों ये वाला ट्रांजिस्टर इसका ख़राब था तो हमने इसको दोबारा से सेट कर लिया है। तो अभी दोस्तों इसको हम चेक करेंगे कि हमारा ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो जो नीचे मैंने हैंड से टच किया था ये वाला हमारा LED ऑन होना चाहिए, तो मैं एक बार टेबल की जो लाइट है उसको ऑन कर लिया है क्योंकि शाम का टाइम हो गया था। तो अभी इसको मैं पूरा अच्छे से सेट कर लेता हूँ और उसको बंद करके इसकी टेस्टिंग करती है कि ये हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों जो ऊपर का इसका हिस्सा है इसको हम बंद कर देंगे, और वायर हमारा वहाँ से एक निकल गया, उसको दोबारा लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने वायर लगा के इसको दोबारा से बंद कर लिया है, अभी आपके सामने इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।